जय श्री श्याम दोस्तों, जय बालाजी, जय विंध्यवासिनी। और आज एक शाम लाज बचाने वाले के नाम रंग महल गार्डन 13 मार्च का जो इंतजार था आप सभी ग्वालियर वासियों को और सभी श्याम प्रेमियों को, लगभग 15 से 20 हज़ार श्याम प्रेमी आज आए हैं बाबा श्याम के कीर्तन में। एक शाम लाज बचाने वाले के नाम ये तृतीय भव्य श्री श्याम कीर्तन होने जा रहा है और आयोजक है लगातार सेवा मंडल। और यहाँ पर हरमिंदर सिंह रोमी जी और अतुल पारिक जी और नम्रता कारवा मुंबई यहाँ पर आज आए हुए हैं और अपने भजनों से सभी श्याम प्रेमियों को और बाबा श्याम को रिझा रहे हैं। चलिए अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं ये प्यारा सा प्रोग्राम। तिलक लगाते हुए आप देख सकते हैं सभी श्याम प्रेमी। आप लोग कहाँ से आए हुए हैं? मैं दाल बाजार से आया हूँ, ग्वालियर से। हाँ जी, बोलो हारे के सहारे की जय हो। और करीब 15 से 20 हज़ार हमारे कृष्णा भैया भी यहाँ पर मौजूद हैं। बाबा श्याम के यहाँ आज हाजिरी लगाने के लिए आज सभी श्याम प्रेमी आए हैं जी। तो कोई बाबा का एक दो लाइन भजन हो जाए, कोई बजा लेते हैं कोई दो लाइन बाबा की। जी जी, सबसे पहले तो मैं म्यूजिशियन हूँ और मैं गाता नहीं हूँ, पर भैया ने कहा है तो जैसे मैं थोड़ा सा गुनगुनाना चाहूँगा कि हारा हूँ बाबा मुझे तुझ पे भरोसा है, वो जीतूँगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। और मैं ज़्यादा गाता नहीं हूँ, बस भैया का मान सम्मान। एक आपके लिए मेला महोत्सव की ओर से एक आपके लिए बाबा श्याम का प्रसाद। जरूर जरूर जरूर। और यहाँ पर सभी श्याम प्रेमियों के लिए यहाँ पर ये व्यवस्था रखी गई है, यानी कि स्लीपर के लिए, जूते चप्पल के लिए यहाँ पर टोकन द्वारा ये व्यवस्था रखी गई है सेवा मंडल के द्वारा। और चलिए अब यहाँ से अंदर जा रहे हैं, पर यहाँ पर सभी श्रद्धालुओं के लिए टोकन द्वारा एक अंकल एक आपके लिए बाबा श्याम का प्रसाद मेला महोत्सव की ओर से। थैंक यू। और ये लगातार सेवा मंडल द्वारा, और सेवा मंडल के सभी सदस्यों द्वारा यहाँ पर ये व्यवस्था रखी गई है। और इस लाइन से सीधे बाबा की ज्योत के दर्शन और बाबा के दर्शन, ये लाइन यहाँ से शुरू होती है और सीधे आगे जाते हुए यानी कि बाबा की ज्योत के दर्शन, क्योंकि आज बाबा खाटू से ग्वालियर रंग महल गार्डन में यहाँ पे पधारे हुए हैं। और सभी भक्तों के लिए यहाँ पे यार 15 से 20 हज़ार भक्त आज मौजूद हैं यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल साहब, बाबा की कृपा है, बाबा की कृपा, असीम कृपा है, कृपा नहीं असीम कृपा है। बोलो हारे के सहारे की जय, बोलो लख दातार की जय। एक आपके लिए ग्वालियर मेला महोत्सव की ओर से जय श्री श्याम। और चलिए और यहाँ पर सेल्फी पॉइंट भी, यानी कि सभी श्याम प्रेमी सेल्फी लेते हुए, और यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था रखी गई है लगातार सेवा मंडल के सभी आयोजकों द्वारा। अभी यहाँ पर मौजूद हैं भैया बाबा के भजन का, बोल जय श्री श्याम। बाबा के भजन का आनंद दो दिन से लगातार, कल भी लिया और आज भी ले रहे हैं, और पूरे शहर में क्या, पूरे प्रदेश में क्या, पूरे देश में क्या, इस समय एक ही है नारा, जय श्री श्याम हरे का सहारा। और जो उनकी शरण में आया था वो अपने आप सुन लेते हैं किसको क्या चाहिए। हमारी बाबा श्याम का जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय आपके लिए। ये देख रहे हैं यहाँ से ये वाली लाइन चालू होती है, यानी कि यहाँ से सीधे बाबा की जोत और बाबा का जो दरबार लगा हुआ है, बाबा श्याम, बाबा खाटू श्याम का दरबार के दर्शन करने जाते हुए, और सभी के माथों पर तिलक लगाते हुए लगातार सेवा मंडल के सभी सदस्य और बाबा श्याम का तिलक लगाते हुए। चलिए हम भी बाबा श्याम का तिलक लगवाएंगे और फिर बाबा के दर्शन करेंगे। मेरा श्याम हरि भक्तों का सहारा है, मेरा श्याम आपके
के लिए भी है, बाबा श्याम का प्रसाद मेला महोत्सव भी होगा। और अब अंदर आ चुके हैं और आप देख सकते हैं सभी श्याम प्रेमी यहाँ पर भजन का आनंद लेते हुए, जय श्री श्याम भैया, और भजन का आनंद लेते हुए और बाबा के भजन पर सभी मंत्रमुग्ध होते हुए, जय श्री श्याम, जय श्री गाड़ू श्याम की, जय हो जय हो जय हो। यहाँ पर आज खाटू धाम में मौजूद है सभी लोग। अरे हाँ, आनंद ही आनंद है। बाबा श्याम का प्रसाद है मेरा महोत्सव की ओर। अरे वाह, और आप देख सकते हैं ये लाइन यहाँ से बाबा के दरबार के दर्शन करने जाते हुए सभी श्याम प्रेमी, आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, बोलो हारे के सहारे की। और सभी श्याम प्रेमी यहाँ पर बाबा के दरबार के दर्शन करने जाते हुए, आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन, बोलो हारे के सहारे की। और सभी श्याम प्रेमी आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। और आज बाबा के भजन पर सभी लोग भजन का आनंद, बोलो हारे के सहारे की। सभी श्याम प्रेमी और ये लाइन यहाँ से सीधे बाबा के दरबार की ओर जाती हुई, और बाबा खाटू श्याम का दरबार और जोत के दर्शन जो आप कर रहे हैं, बाबा खाटू श्याम की जोत के दर्शन आप कर रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। आज बाबा रंग महल गार्डन में पधारे हुए हैं और ये बाबा का दरबार, और मुंबई से भजन गायिका नम्रता कारवा जी बाबा श्याम के भजन से सभी श्याम प्रेमियों को और बाबा श्याम को रिझाते हुए, जय 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 जय
श्याम का आज दरबार लगा हुआ है रंग महल गार्डन में एक शाम लाज बचाने वाले के नाम। और हमारे बीच ग्वालियर के गौरव और पूरे विश्व भर में बाबा श्याम का परचम और बाबा श्याम के भजन से सभी श्याम प्रेमियों को अपना दीवाना बना दिया है। अतुल पारिक जी माननीय और सम्माननीय अतुल पारिक जी सर मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, विख्यात भजन गायक अतुल पारिक जी। आज पहले तो जय श्री श्याम सभी श्याम प्रेमियों को और मेला महोत्सव 2023 की पूरी टीम को बहुत बहुत आभार है कि आप बाबा के कीर्तन को, बाबा की न्यूज़ को
आप सभी के बीच पहुंचा रहे हैं। और आज रंगमहल गार्डन में एक शाम लाज बचाने के वाले के नाम चल रही है, जिसमें हमारे विवेक भाई उसको कवर करने आए हैं। बहुत खुशी की बात है, आप तक बाबा की जानकारी मिल रही है। सर कुछ बाबा का कोई जो भजन एक आपका आया है, हाँ, तो जिसने 74,000 अभी अभी तक अभी अभी 74-75K मतलब 75,000 व्यूज उस पर हो चुके हैं, जिस भजन का नाम है चाकरियो, जो मैं आप सभी को बता दूं कि जितने भी ग्वालियर के प्रेमी उसको जरूर सुने। लगातार म्यूजिक एंड फिल्म पर ये भजन आया है चाकरियो, कि मैं चाकरियो हूँ श्याम मेरो रखवालो है, चरणा को हूँ दास सांवरो मेरो करुणा निधान मेरो रखवालो है। सबका रखवाला है बाबा, यही पहुंचा रहे हैं हमारे विवेक भैया। और एक और कोई भजन जो आपको प्रिय हो बाबा श्याम का? देखो बाबा के तो भजन बहुत हैं, प्रिय हैं, जो हर एक भजन होता है जो अपने अपने रूप में कहीं ना कहीं लोगों के काम बनाता है। तो एक भजन है कि हारे के सहारे आजा तेरा दास पुकारे आजा, हम तो खड़े तेरे द्वार सुन ले करुण पुकार, हारे के सहारे आजा। और ऐसा कह के प्रेमी बुलाते हैं और बबा आता भी है, ऐसा लोगों ने महसूस किया है। आई आज बाबा रंग महल गार्डन में आया हुआ है, लगतादार सेवा मंडल सजा हुआ है रंग महल बाबा के दीदार में। और एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बहुत अच्छी बात बताऊं कि आदरणीय रोमी जी यहाँ पर आए हुए हैं, जो आज अभी तक ग्वालियर में नहीं हुआ, नानी भाई का मायरा भात उत्सव होने जा रहा है, जिसको हमारे चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचेगा, बहुत खुशी की बात है। आपका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और बाबा श्याम बिल्कुल, अरे बाबा हारे का सहारा, बाबा श्याम साथ, हमारा बाबा साथ है तो फिर डरने की क्या बात है। जय श्री श्याम। जय श्री श्याम आप सभी को। जय श्री आपके लिए भी है बाबा श्याम का प्रसाद मेला महोत्सव की ओर से, एक आपके लिए। थैंक यू बिल्कुल धन्यवाद भैया। और आज खाटू की नगरी में सर भी यहाँ पे पधारे हुए हैं और बाबा श्याम की नगरी में आज सर यहाँ पर मौजूद है। सर आज खाटू धाम बना हुआ है रंग महल गार्डन, कैसा लग रहा है यहाँ? निश्चित रूप से काफ़ी बहुत गौरवशाली क्षण है और निश्चित रूप से सम्मान की बात है हमारे लिए। और आज खाटू श्याम जी की जो इतने भक्त लोग हैं, इतने यहाँ इस तरह से भजन संध्या बनाई गई है, भजन संध्या चल रही है, लोगों से मिलने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, उनका आशीर्वाद मिला है। एक सर आपके लिए मेला महोत्सव बाबा श्याम का ये प्रसाद है। श्री श्याम अग्रवाल जी यहाँ पर झाड़ा देते हुए और सभी लगदादार सेवा मंडल द्वारा यहां पर कार्यक्रम में कीर्तन में आए हुए सभी श्याम प्रेमियों के लिए यहां पर प्रसादी की व्यवस्था भी रखी गई है। और सभी श्याम प्रेमी और सभी कीर्तन सुनने आए हुए सभी श्याम प्रेमियों के लिए लगदादार सेवा मंडल एक श्याम लाज बचाने के नाम इस कार्यक्रम में सभी श्रद्धालुओं के लिए प्रसादी की व्यवस्था रखी गई है। श्याम बाबा की जय।
माँ ने बोला बेटा जो हारे उसकी तरफ से युद्ध भगवान निकल पड़े तीन बाण लेके, तब से बन गए तीन बाण धारी। बोलो तीन बाण धारी की। रास्ते में भगवान कृष्ण प्रकट हो गए। भगवान को तो पता था अगर बरवाही जब हारेगा उस तरफ से महाभारत का युद्ध लड़ लिया तो महाभारत की काया बदल जाएगी। भगवान ने शीश का दान मांग लिया, तब से बन गए शीश के दानी की। भगवान ने शीश का दान मांगा, बदले में क्या वरदान दिया कि परवरी की जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा तेरे नाम का टंका बजता जाएगा। और प्रेमियों सुनना, भगवान कृष्ण ने कहा कि अगर मैंने किसी के भाग्य में सुख लिख दिया है तो उसको सुख भोगना पड़ेगा। देखो यहाँ घोटे नहीं है, मिल जाते हैं, मिल गया एक बार जोड़ना था भी। सुना, अरे भजन सुनाते जो दिल को प्यारे, भजन सुनाते जो दिल को प्यारे, उसके तो परिवार परिवार में मेरा शाम बना रहा है। अब सुनना, कोई अड़ोसी पड़ोसी पूछे ना।